तो कल सुबह हमारा मेडिकल है 5 बजे से, तो मैं आज हम लोग का आज का प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि फिज़िकल में हम लोग के साथ मतलब क्या क्या प्रोसेस किया गया। तो हम लोग का ये रनिंग था 31 जुलाई को, ठीक है, और रात को रिपोर्टिंग था 12:15 को। तो हम लोग 10:30 बजे हम लोग लाइनिंग में खड़े हो गए थे बाहर स्टेडियम के, और बाद में 12 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी। और एंट्री में जो डॉक्यूमेंट लगे थे वो थे एडमिट कार्ड ही लगा था ओनली, फ़ोटो के साथ, उसमें फ़ोटो भी लगाना था तो वही लगा था एंट्री के टाइम। उसके बाद वहाँ पे 100-100 का बैच बनाया गया था, ठीक है, 25-25 की 4 लाइन करी गई थी पहले, और बाद में 10-10 के ऐसे 10 आगे ग्राउंड पे लेके जाने के बाद 10-10 के ऐसे 10 बैच बनाए गए थे, नहीं सॉरी 10-10 के 10 लाइन बनाए गए थे, बाद में उनको ग्राउंड पे बिठाया था। फिर उसके बाद टोटल टाइमिंग जो हम लोग को दिया, मैं फर्स्ट बैच में था और मेरे साथ हम लोग जो 4 जन थे उसमें से 2-3 हम लोग ने, 3 जन ने हम लोग ने रेस क्लियर की थी, और एक हाँ 3 जन ने रेस क्लियर की थी, 1 जन का नहीं हो पाया। और जो रेस का जो टाइमिंग दिया था हम लोग का 5:45 सबको मिल रहा था, मतलब हम लोगों को तो उतना ही मिला, सबका नहीं पता, 5:45 हम लोग को मिला टाइमिंग। और हम लोग का जो ग्रुप था, हम लोग सेकेंड ग्रुप में, हम लोग 5 से 7 सेकेंड हम लोग छूट गए थे, मतलब लेट हो गए थे फर्स्ट ग्रुप से। कोशिश तो थी कि फर्स्ट ग्रुप में आए, लेकिन 5-7 सेकेंड का थोड़ा आगे पीछे हो गया था, लेट हो गया था हम लोग, तो उसकी वजह से हम लोग ग्रुप 2 में आए। हम लोग 3 बंदे सिलेक्ट हो गए थे, मैं, लक्की और अभिषेक। फिर उसके बाद ये हम लोग का 1 बजे हम लोग की रनिंग मतलब चालू हुई थी, और हम लोग का एक मतलब 12 बजे हम लोग अंदर लिया गया था डॉक्यूमेंट के लिए, मतलब एंट्री के लिए। उसके बाद 1 बजे रनिंग हुई थी, और रनिंग हम लोग का जैसे हम लोग ख़त्म हुआ उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद अंदर लेके जाके फॉर्म फिलअप करवाया था, और मतलब फॉर्म हम वहाँ पर फिलअप करवाते, वो फिलअप करवाया था फॉर्म। उसके बाद PFT हुआ था, जैसे फॉर्म फिलअप हो गया था, हम लोग का फर्स्ट बैच था, हम लोग का फटाफट सब काम हो रहा था, ठीक है। तो मैक्सिमम कोशिश करो कि सब मतलब कुछ लोग कि मैक्सिमम कि फर्स्ट बैच में रहो, ऐसा कि फर्स्ट बैच वालों का काम जल्दी हो जाता है, उनको जल्दी छोड़ भी दिया जाता है इसीलिए, क्योंकि आज हम लोग का आज हम लोग को 9 बजे छोड़ दिया गया था सुबह में, तो क्या हम लोग का पूरा दिन पढ़ा था आज कल, मतलब आज का पूरा दिन हम लोग पढ़ा था कि कल मेडिकल के लिए, और अच्छे से हम लोग आज का पूरा दिन यूटिलाइज कर पाए थे। तो हम लोग फर्स्ट बैच सोच के गए थे कि हम लोग फर्स्ट बैच में बैठेंगे कैसे भी करके, मतलब फर्स्ट बैच में पहले के 100 में रहेंगे ऐसा। तो हम लोग पहले के 100 में थे, और अच्छे से हम लोग ने रेस मारी। 5:45 का टाइमिंग सबको दिया गया था, ठीक है, हम लोग का उस 5:35 के आसपास आया था, हम लोग ने 5:35 में रेस कंप्लीट की हम लोग की, और ग्रुप 2 में हम लोग आए। उसके बाद बायोमेट्रिक होने के बाद और फॉर्म फिलअप होने के बाद PFT हुआ था। PFT में सबसे पहले 9 फिट का जो गड्ढा था वो कुदाया गया था, उसके बाद जिगजैग हुआ था, ठीक है, और मैक्सिमम लोग मतलब सभी लोग पास हो गए थे उस सब चीज़ में। उसके बाद आता है पुलअप्स, हाँ पुलअप्स अच्छा खासा वहाँ पे बोल दिया, बोल नहीं एक वो क्या बोलते हैं उसको पार्ट क्या क्या बोलते हैं, हाँ लक्की लक्की उसको क्या बोलते हैं, पार्टियाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल पार्टियाँ पार्टियाँ, हाँ तो वो पार्टियाँ दिया गया था बोले तो बोल नहीं था वहाँ पे वो पुलअप्स के लिए, वो पार्टियाँ दिया गया था, अच्छा था मतलब सपोर्ट के लिए। तो अच्छे से मैंने 10 लगा दिए थे, और मेरे जो साथ वाले थे उन्होंने भी 10 लगा दिए थे पुलअप्स, अच्छा था मतलब पुलअप्स के लिए बढ़िया था, मतलब अच्छा खासा वहाँ पे वो मतलब पार्टियाँ दिया गया था। और पुलअप्स लगाने के बाद हम लोग का उसके बाद चेस्ट हुआ, वेट हुआ और हाइट हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमम जो बंदे बाहर निकले वो वेट में बाहर निकले थे, और वेट में और चेस्ट में थोड़े कम, लेकिन वेट में बहुत ज़्यादा बंदे बाहर निकले थे। और वहाँ पे आप अगर आपका कम वेट है तो आप खाने पीने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ लेके जाइए, केला कोई कुछ भी, मतलब 1 डज़न केला लेके चले जिसका 2-3 किलो वेट कम है। क्योंकि एक मेरा दोस्त था अभिषेक, हम 3 जन ने रनिंग पास की थी, उसमें से एक नाम था अभिषेक, तो उसका वेट था 48, तो वो बाहर हो गया था। मतलब बहुत दुख होता है जब इतना रनिंग वनिंग करने के बाद, पूरा मतलब अपना एफर्ट देने के बाद, और उसका PFT भी हो गया था, मतलब पुलअप सुलअप से उसने 10 लगा लिए, तो उसके बाद उसको वेट में निकाल दिया, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मेरा जो हाइट था 186 था, और मेरा वेट 69 था, और चेस्ट 79 के आसपास, मतलब 70 से स्टार्ट होना चाहिए चेस्ट ऐसा कुछ, और 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए, 5 इंच की 5 सेंटीमीटर ऐसा कुछ, याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन उतना ही कुछ था। और
मेरा मैं तो फिट हो गया उसमें, और बाद ये लक्की है मेरे साथ वो भी फिट हो गया था। और वहाँ से जैसे हम लोगों का ख़त्म हुआ उसके बाद और हाँ, और हाई वेट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग ले रहे, तो आपकी अगर हाइट चार्ट देख लीजिए आप, अगर आपकी मतलब आर्मी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर चार्ट लगा है हाइट वेट का, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मतलब वेट लेके जाइए, ऐसा तो करके जाइए, थोड़ा मेहनत करिए। अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो कम करिए। हाँ, ओवर वेट वालों के लिए भी दिक्कत है क्योंकि ओवर वेट को निकाल दिया जा रहा है वैसे, और बाद में बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक हम लोग यहाँ पे एक्सीडेंट बनता भी था, उसको भी वेट में निकाल दिया, उसका 1-2 किलो कम था तो उसको निकाल दिया। बंदे ने भाई एक्सीडेंट मारा सबसे पहले, भाई वो था ग्रुप वन में, फिर भी उसको निकाल दिया। वो रो रहा था वहाँ पे हम लोग के सामने बैठ के, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करें अभी प्रोसेस है ये तो। और क्या उसके बाद उसके बाद था डॉक्यूमेंट, हाँ चेस्ट होने के बाद, ये चेस्ट वेस्ट मेजरमेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट था। और जो डॉक्यूमेंट में था, डॉक्यूमेंट में अनमेरिट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, अनमेरिट करेक्टर और 10th 12th की मार्कशीट, उसके बाद PCC है तो PCC लेके आ जाना, और डोमिसाइल मस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और जिसके पास NCC सी सर्टिफिकेट है भी तो वो लेके आ जाना, और हाँ और एफिडेविट भी, एफिडेविट सबसे इम्पॉर्टेंट है, एफिडेविट तो चाहिए कैसे भी करके, तो एफिडेविट भी आज बना लेना। कुछ कुछ लोग एफिडेविट नहीं लेके आए थे, और कुछ कुछ बंदे लोग डॉक्यूमेंट नहीं लेके आ रहे थे, तो उनको निकाल दिया गया था वहीं से। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिए कि इतना दूर आने के बाद, इतना भर्ती मारने के बाद आप डॉक्यूमेंट में रह जाइए, ठीक है ना। तो इसलिए डॉक्यूमेंट पहले बना लीजिए, डॉक्यूमेंट मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है भर्ती देखने के लिए। अगर आप आ रहे हो वो चीज़ के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट लेके आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं बाद में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग का हुआ, थोड़ा टाइम लगा डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़्यादा, और बाद में फटाफट जैसे डॉक्यूमेंट हम लोग का ख़त्म हुआ तो हम लोग को मेडिकल स्लिप दी गई थी। ठीक है, हम लोगों की हम लोग कल सुबह कितने बजे आना है, वहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ था कि 5 बजे हम लोग को आना है कल सुबह, तो मेडिकल स्लिप दी गई थी, और हम लोग को वहाँ से 9 बजे फिक्स 9 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे छोड़ दिया गया था। और वहाँ पे नाश्ता पानी भी मतलब देंगे वहाँ पे, लेकिन पैसों से लेना पड़ेगा, नाश्ता पानी वाला काउंटर होगा वहाँ पे। और पिछली बार हम लोग AR अहमदाबाद में गए थे तो वहाँ पे फ्री में खिलाया था मतलब, लेकिन इस बार पैसे देके खिला रहे, तो वहाँ पे नाश्ता भी मिल जाएगा। और अभी हम लोग का कल मेडिकल है सुबह 5 बजे, और मेडिकल का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा अगले दिन उसके, कैसा हम लोग का मेडिकल गया। ठीक है, और बाद में हम लोग 9 बजे हम लोग का ख़त्म हो गया था, उसके बाद हम लोग 10 बजे मतलब किसी से हमने पूछा था कि रहने के लिए कोई अच्छी जगह, ऐसा कि हम लोग को भी होटल में रूम चाहिए था ऐसे, तो होटल बहुत ज़्यादा महंगी थी, मतलब होटल में मतलब बहुत ज़्यादा 1400 रुपया एक दिन का, एक दिन हम लोग रहना ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे 12 घंटे। ठीक है, तो इस चीज़ के वो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते थे होटल वाले। तो एक कोई हम लोग का वो अग्निवीर फ्री अकेडमी नाम से एक रिपोर्टर भी था जिनका यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे हम लोग को मिल गया था। हम लोग ने उनसे पूछा कि कहाँ पे कुछ है रहने के लिए मतलब अच्छा, तो वो भी एक धर्मशाला, ये वाले धर्मशाले में रुके थे, तो उन्होंने यहाँ का पता बताया। हम लोग यहाँ पे आए बाद में, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, मतलब रेट एकदम नॉर्मल है, कम है एक बंदे के हिसाब से, और आदमी आराम से यहाँ पे मतलब रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और पर पर्सन 100 रुपया यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग अभी हम लोग का सब काम हो गया, बाल वाल भी कटवा लिए, हम लोग भी छोटा करवा लिया, जैसे कि वहाँ पे बोला गया था मेडिकल के लिए कि क्लीन शेव होना चाहिए, एकदम बिल्कुल ही क्लीन शेव होना चाहिए, बाल एकदम से छोटे होने चाहिए, और बॉडी के पूरे हेयर निकाल के आने हैं आपको, हाइजीन नहा धो के आना, अच्छे से कान साफ करके आने आपको। ठीक है, और दांत वात साफ करके आना अपने को एकदम अच्छे से, और फ़ोटो भी लेके आनी है तो वो स्टैम्प पेपर साइज की, मतलब स्टैम्प साइज़ की छोटी छोटी 2-3। बस यही आज का था फिजिकल का प्रोसेस। अगर आपको कुछ लगे कि कुछ मैंने छोड़ दिया है इस वीडियो में बोलना, तो आप वो वीडियो मतलब कमेंट कर देना, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो जितना भी आज मेरे को याद है, जितना फिजिकल का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया वो चीज़, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ छूट गया तो वो कमेंट में लिख देना, मैं बाद में आपको समझा दूंगा। और अभी हम लोग कल सुबह 5 बजे मेडिकल है, तो कल सुबह 5 बजे हम लोग चेकआउट करेंगे, और अभी अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग आधे घंटे बाद सो जाएंगे, उसके बाद कल सुबह मस्त उठेंगे एकदम अच्छे से नींद वींद लेके, मस्त जाएंगे मेडिकल, अपना बेस्ट देंगे, और मेडिकल का भी पूरा वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि कैसा मेडिकल, क्या क्या क्या
मतलब करना पड़ा मेडिकल में, मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है? फिर तो मिलते हैं अगली वीडियो में।